हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ माही। कैसे हो आप सब? पर आज जो है, आज है पंचमी, तो पंचमी की आपको बहुत सारी बधाई। एंड अभी हम लोग रेडी वेडी होके जा रहे हैं हमारी नियर बाई पूजा देखने, यानी दमदम पा की पूजा देखने के लिए। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 पूजा होती है, तो देखते हैं कि आज कितना कुछ कवर हो पाता है। तो सबसे पहले तो जो मेरे घर से जस्ट 2 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे है, वो वाली पूजा मैं कवर कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा दूर दूर जो है वो सब। तो इन टोटल यहाँ पे जो पूजा का नाम है, एक है युवक वृंद, एक है भारत चक्र, तरुण संघ एंड तरुण दल, ये जो 4 पूजा है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एंड लोग यहाँ से बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ की पूजा देखने के लिए। तो इसलिए चलिए, विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड यस, बहुत सारे मज़े करते हैं आज इस वीडियो में। एंड आज का वीडियो बहुत ही एक्सप्रेसिव भी होने जा रहा है, क्योंकि अलग अलग पैंडल्स जो है उसका मैं पूरा कवर करूँगी अच्छे से। तो आपको न्यू चीज़ें देखने को मिलेंगी, यहाँ की क्रिएटिविटी देखने को मिलेंगी। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो अभी बस मैं अपने घर से बाहर निकली हूँ। यहाँ पे देखिए सारे बैनर्स लगा के रखे हैं। एंड अभी जो हम लोग जाएंगे वो बस वहाँ से जो आप देख रहे हो एंट्री, वहाँ से जो है वो युवक वृंद की पूजा होती है, तो वो है सबसे पहले जो कि हम विज़िट करेंगे। तो चलिए लेट्स गो। ये देखिए, ये है युवक वृंद की पूजा, जो कि बस हमारे दमदम पार्क एंट्रेंस पे है। अब हम लोग जा रहे अंदर। ये देखिए, और ये है मूर्ति। अभी हम लोग जा रहे हैं तरुण दल की पूजा देखने के लिए। एंड ये है इसका वे। थैंक गॉड ज़्यादा भीड़ नहीं है। ये देखिए, इट्स फील सो गुड। एंड यहाँ पे जो म्यूज़िक बजता है, दुर्गा पूजा के बैनर्स एंड ऑल, कितना अच्छा लगता है। एंड ये जो पूजा है, ये वन ऑफ द बेस्ट पूजा होती है दमदम पार्क की। तो लेट्स गो। ये देखिए, ज़रा भी भीड़ नहीं है, इसलिए मैं ये टाइम प्रेफर करती हूँ। एंड मैं थोड़ा व्यू भी आपको दिखाते जा रही हूँ। ये देखिए, एंड हियर इट स्टार्ट्स। दे दिए छेनिया, देखो कितना अच्छा लग रहा है ये। Thank you.
चलो दाड़ा चलो देखते चलो।
ओके तो अब हम लोग लाइक पूरा पूजा घूम के अब मैं आई हूँ अपने घर। लाइक अब मैं आपको पूरा ओवरव्यू देती हूँ सारे पूजास का। जो पहला पूजा जो मैंने आपको दिखाया दैट वाज युवक ब्रिन, जो कि दमदम पार्क के एकदम मेन पॉइंट पे आता है, एकदम एंट्री पॉइंट पे, मतलब जो भी पूजा देखने आते हैं वो। तो वहाँ का जो मैंने आपको दिखाया, यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि जो पैंडल में वो जो वाटरफॉल का जो सिस्टम था ना, जो मैंने आपको दिखाया, वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था एंड बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड ऐसे लग रहा था कि आप एकदम पहाड़ों वाली जगह पे आ गए हो। तो मुझे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड लाइक यू नो, मूर्ति की जो क्रिएटिविटी थी वो भी बहुत ही बढ़िया थी। सेकेंड वाली जो पूजा जो मैंने आपको दिखाई वो थी तरुण दल की, जिसमें इंडिपेंडेंस डे वाला जो था ना, लाइक थोड़ा सा थीम दिया हुआ था। लाइक तरुण दल की जो पूजा है वो भी दमदम पा की वन ऑफ द बेस्ट पूजास में आती है। एंड जो भी दमदम पा का आते हैं लाइक वो ये चारों पूजा डेफिनेटली कवर करते हैं। तो मुझे इनका थीम हर टाइम बहुत ही बढ़िया लगता है। उसके बाद जो थर्ड पूजा थी, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है, वो आपने नोटिस की होगी, कठपुतली वाली, मतलब दुर्गा जी का जो मूर्ति जो बना था वो पूरी कठपुतली स्टाइल में थी। एंड लाइक एक आदमी जो था वो उसे हिला रहा था। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट लगा, क्योंकि नो मूर्ति एंड ऑल तो हम हमेशा देखते हैं, बट ये जो कठपुतली वाली थी ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एंड यू नो बहुत सारे लोग भी वहाँ पे थे जो थोड़ा सा राजस्थानी स्टाइल में, जैसे वहाँ पे गाना बजाना होता है, वैसा वो लोग करने की कोशिश कर रहे थे। सो आई लिटरली लाइक दैट। वो मेरी पर्सनल फेवरेट पूजा में थी। उसके बाद जो लास्ट वाली पूजा थी दैट वाज तरुण संघ, जहाँ की लाइन हमें काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट कर दी। लाइक वी डिडंट हैव एनी आइडिया कि हमें अप्रॉक्सीमेटली 20-25 मिनट लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, बट वी डिड। बट उसके अंदर जाके जो आपने देखा लास्ट वाली पूजा गाइज, उसका जो इंटीरियर था मतलब कितना ब्यूटीफुली मेड था। एंड यहाँ के पूजास में आप देखेंगे कि बैम्बूज का जो काम है वो तो बेस है ही, एंड दैट इज़ रियली वाइड स्प्रेड एंड वेरी मच पॉपुलर इन बंगाल एंड मेड इन बंगाल। लाइक वैसा ही होता है। तो लास्ट वाली पूजा का इंटीरियर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड वहाँ पे ना एक मिस्ट इफेक्ट था, लाइक पीछे से एक थोड़ा सा मिस्ट टाइप का आ रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील दे रहा था। लाइक यू लिटरली वांटेड कि वहाँ पर आप थोड़ा देर रहो। तो यहाँ की पूजा में ना इस बार जो पानी से रिलेटेड जो इन्होंने काम किया है ना, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड आई लिटरली इन्जॉयड ईच एंड एवरी पूजा यहाँ का। तो अगर आप दमदम पार्क आओ, लाइक फॉर ऑल द कोलकाता व्यूअर्स, लाइक यहाँ की पूजा तो डेफिनेट देखनी ही देखनी है। तो आज का व्लॉग, मतलब पंचमी का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। एंड अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन मिलते हैं अपने षष्ठी के व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।